तेंदुआ था है या फंस गया। लगातार उपज रहे हैं प्रश्न, अफवाहों का बाजार गर्म। अफवाहों पर विराम लगाने के लिए DFO महेंद्र प्रयोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दी जानकारी। पिछले कई दिनों से तेंदुए को ढूंढने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है वन विभाग और संबंधित विभाग। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। तेंदुआ है था और या भाग गया, इस विषय को लेकर लगातार पूरे क्षेत्र में चर्चाएं बनी हुई है। अफवाहों का बाजार गर्म है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बकरे की भी चर्चा हो रही है कि बकरा भी कहां गया, तेंदुआ ले गया या कोई ले गया, चोरी हो गया। और जब ये चर्चाएं लगातार बढ़ रही थी उसी समय कुछ नेता भी सामने आए, नेताओं की चर्चा भी बनी और साथ में ग्रामीणों की भी। और अफवाहों पर जो विराम लगाने का काम करना था वह किया वन विभाग के मुखिया ने, यानी दमोह जिले के DFO वन मंडलाधिकारी महेंद्र फे उइके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वन मंडल द्वारा किए जा रहे कार्य प्रयास, संबंधित विभाग जो लगा हुआ है अर्थात वह टीम जो वन प्राणियों को संरक्षण संवर्धन करने का कार्य करती है, और अगर वो कहीं शहरी क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां वन प्राणी असुरक्षित हों उनको पकड़ने का कार्य करने वाली टीम किस प्रकार कार्य कर रही है इसकी भी जानकारी दी गई। वन मंडलाधिकारी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेंद्र सिंह उइके जो कि वन मंडलाधिकारी हैं दमोह के, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर भी दिए। वहीं देवेंद्र प्रताप सिंह SDO दमोह, उन्होंने भी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो डॉक्टर राजेश तोमर जो कि विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, वन प्राणियों को समझते हैं, उनकी भाषा को समझते हैं, उनके कार्य को समझते हैं, और कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो उनको पकड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह भी यहाँ उपस्थित थे। और इस दौरान क्या कहा महेंद्र फे उइके वन मंडलाधिकारी दमोह ने, आइए चर्चा करते हैं, सुनते हैं। दमोह जिले में दिनांक 25 को 25 जनवरी को एक तेंदुआ ग्राम आबूखेड़ी में दमोह दिया था और कुछ लोगों पे आक्रमण किया था जिसमें एक आदमी घायल हुआ था और उसका इलाज हॉस्पिटल में जिला अस्पताल में चल रहा था। उसके दूसरे दिन 26 तारीख को ग्राम देवरा में जो कि बांसा के पास है वहाँ पर दिखाई दिया और वहाँ चार लोगों को उसने घायल किया था, उनका भी इलाज यहाँ चल रहा था। 26 तारीख को सुबह जैसे ही ये जानकारी मिली थी हमने तत्काल यहाँ से स्टाफ रवाना किया था सुबह, और तब से लगातार जो है उस पर निगरानी रखी गई। और इसी दौरान हमने पन्ना टाइगर रिजर्व से एक रेस्क्यू टीम जिसमें कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी पूरी टीम बुलाई गई थी और जिनके द्वारा कि 2-3 दिन उस पर काबू करने का और उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी टीम पूरी लगातार लगी हुई है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और अंततः दिनांक 27-28 को ग्राम खमरिया में अचानक वहाँ दिखाई दिया और एक व्यक्ति को उसने घायल किया था। और 27-28 को ही वो वहाँ के जंगल जो भैंसखार से लगा हुआ है वहाँ वो काफ़ी बड़ा जंगल का एरिया है उसमें वो प्रवेश कर गया जिसमें उसके पग मार्क्स और दिखाई दिए और हमने ड्रोन से भी उसका जो है मॉनिटरिंग की है और बहुत अच्छा उसमें हमको रिजल्ट भी मिला है ड्रोन से। और जैसे जंगल में एंटर किया उसके दूसरे दिन सुबह वहाँ कुछ ग्रामीणों को भी दिखाई दिया जिससे ये तय हुआ कि वो भैंसखार के जंगल में पहुँच गया है। लेकिन उसी दिन 29 तारीख को शाम को ग्राम देवरान से पुनः सूचना मिली कि वही तेंदुआ इस तरफ आ गया है। हमने कुछ टीमें वहाँ छोड़ करके बाकी यहाँ की टीमों को पुनः दिनांक 29 के शाम से हमने डेपुट कर रखा है, लगातार सर्चिंग की जा रही है
ड्रोन से और लोगों के बताए अनुसार, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कंफर्मेशन उसको नहीं मिल पाया है। जैसा कि पहले हमको साक्षर मतलब सामने दिख गया था, लेकिन इस बार जो है पिछले 3 दिनों से उसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ है या नहीं है, दोनों बातें नहीं है। इसलिए हम अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वहाँ नहीं है, लेकिन ग्राम देवरान से खमरिया की जो दूरी है वो 30-35 किलोमीटर की दूरी है, और सेम डे दिन के दिन में यहाँ तक ट्रेवल करना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि वो रात में मूव करता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा संभावना यही है कि देवरान क्षेत्र में ना होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी टीम लगातार उस एरिया में बनी हुई है, लोगों को सतर्क कर रहे हैं और बच्चों को बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या दुर्घटना ना हो। जब तक कि उसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज नहीं मिल जाती तब तक हम पब्लिक से भी और आम जनता से यह सहयोग चाहते हैं कि हमारे जो भी प्रयास हैं उनमें बराबर वो सहयोग करें ताकि उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस निरीक्षण में भेजा जा सके। हमारे बीच में मुगलपुर जू से आए हुए डॉक्टर तोमर साहब हमारे पास हैं, ये भी कल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनका जो अनुभव है उसका उपयोग भी कर रहे हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में आप देख रहे हैं कि ड्रोन का हमने इसमें बेहतर इस्तेमाल किया है, और जितना भी ड्रोन लगातार चल रहा है वहीं बैटरी उसकी चार्ज करने के लिए हमने गाड़ी में पूरी व्यवस्था कर रखी है। पिंजरे लगाए हुए हैं जहाँ तहाँ 2-3 पिंजरे, और मैं हमने उसके लिए कुछ गारा भी बांध रखा है, और ये सारी व्यवस्थाओं के करने के बाद अभी भी हमारे हाथ में अभी कोई जानकारी नहीं है। और हमारे पास जो स्पेशलिस्ट टीम है उसके डॉक्टर तोमर साहब जो हैं ये अपने अनुभव के साथ पूरे लगे हुए हैं। हमारे 2-3 रेंजर्सों को भी आज हमने वहाँ डिप्लॉय किया है। हमारे SDO साहब हैं धीरेन्द्र प्रताप, ये लगातार 5-6 दिन से तेंदुए के सर्च में ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं, और जैसे ही वो तेजगढ़ पहुँचा था वहाँ भी हमने अलग टीम तेंदुखड़ा सब डिवीजन की वहाँ से अलग लगाई हुई है। अभी भी वो लगे हुए हैं कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में वो ना आने पाए और लगातार लोगों को सतर्क कर रहे हैं। तो हम आम जनता से बस यही चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें और जो भी हमारे प्रयास हैं उनको मूर्त रूप देने के लिए हमारा बराबर उनसे सहयोग मिलता रहे, यही अपेक्षा है। और आप सभी पत्रकारों से भी निवेदन है कि आप लोग भी यदि आप लोगों को कहीं से कोई सूचना मिलती है तो तत्काल उन तक पहुँचाएँ, उसका फिर हम जो भी अच्छा हो सके। सर, जैसे कि बकरे की जानकारी आ रही है, बकरा पकड़ रहा हो फिर गायब हो गया है, तो ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं कि वही ले गया है या भाग गया? बकरा जो गायब होने की सूचना है उस पर हमने ट्रेस कराया था, तो वहाँ तेंदुआ के पगमार्क होने के कोई या उस तरह के कोई निशान की तेंदुआ आके ले गया ऐसा कोई निशान वहाँ नहीं मिले हैं। अब वो जाँच का विषय है कि वो कैसे गायब हुआ है, क्या हुआ है, वो अलग होता है। लेकिन अब हम जो है उसमें जहाँ भी ये ट्रैप केज लगाएंगे उसके साथ ट्रैप कैमरे भी लगाएंगे चारों तरफ से, ताकि कोई भी यदि उन जगहों को छेड़छाड़ करता है या कोई अनहोनी तो वो उसका तुरंत पता लगा लिया जाएगा। हम ऐसे जो ट्रैप कैमरे हैं वो 10-20 कैमरे हम जगह जगह लगाने का तैयारी किए हैं। तो सुना आपने, वन मंडला अधिकारी महेंद्र फेहुके ने अपील भी की है और ये जानकारी दी है कि किस प्रकार वन मंडल यानी जो है वन विभाग है वह लगातार कार्य कर रहा है, अपील की है, सहयोग की मांग की है। और अब हम चर्चा करते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं। आज 3 जगह पे सर्चिंग की गई, 3 जगह की आज जानकारी मिली थी, तो वो गांव वाले बता रहे हैं, गांव वालों के आधार में बांसा में की गई है। एक जैन साहब का है जिसमें से एक चौकीदार है वहां, भगवत रैकवार कुछ नाम है उनका, दशरथ रैकवार, तो वो चौकीदार ने बताया कि हमने देखा हुआ है। डॉक्टर राजेश तोमर अनुभवी चिकित्सक दमोह में, वह पूर्व में भी आए थे एक तेंदुए को पकड़ने के लिए, इस बार भी आए हैं, उनका अपना अनुभव क्या है, किस प्रकार वह कार्य कर रहे हैं, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए।
लोगों की जो हमको जानकारी मिल रही है उसके आधार पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो एनिमल कहीं ना कहीं लोकेट हो जाए। सबसे बड़ी समस्या है इसमें जो एनिमल की लोकेशन नहीं मिल पा रही है, और जब तक एनिमल की लोकेशन नहीं मिलती कोई दूसरी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लोकेशन नहीं मिलती उस स्थिति में हम उसको पकड़ने के लिए ट्रैप केज का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रैप केज भी 3 हमने इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ, और उसमें गारा भी लगाते हैं कि अगर जानवर आए लालच में तो अगर खाने वो उसका इस तरह मैकेनिज्म होता है, जानवर जब उसके अंदर जाता है तो पिंजरा अपने आप बंद हो जाता है, तो उसमें भी सफलता नहीं मिली। और लोगों द्वारा जो सूचना दी गई उसके आधार पर जब ढूंढा हर तरह से, जैसे ड्रोन से बताया कि ड्रोन से हमने किया, पैदल भी कॉम्बिंग की है, उसमें पटाखे भी छोड़े हैं, और जा के देखा भी है जो जो जहां उन्होंने बताया, तो पगमार के किसी भी और तरह के कोई ऐसे चिन्ह नहीं मिले जिससे ये पता चले कि तेंदुआ वहाँ है। जब तक तेंदुआ, और दूसरा प्रजाति की विशेषता होती है तेंदुए के साथ ये है कि इसको आसानी से लोकेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और चारों तरफ पूरी पूरे क्षेत्र में फसल लगी हुई है, उसमें गेहूँ भी है, मटर भी है, मैंने अरहर सरसों सब है, उसमें जब वो जानवर पर छिप जाता है तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हम पूरी तरह काफ़ी 8-10 लोगों की टीम के साथ पैदल काम भी कर रहे हैं, काफ़ी एरिया कवर करते हुए चल रहे हैं, पटाखे भी चला रहे हैं कि अगर कहीं है और मूव करता है तो उसके साथ ड्रोन भी चलाते हैं, कहीं मूवमेंट होगा तो दिख जाएगा, और अगर एनिमल एक बार लोकेट होता है तो फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जा सकती है। सर अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? अभी जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते कि तेंदुआ वहाँ नहीं है, तब तक तो हमारी टीम अभी लगी हुई है सर्चिंग कर ही रहे हैं, और जब कहीं से कोई किसी तरह कोई सूचना नहीं मिलेगी या उसके कोई चिन्ह नहीं मिलेंगे, साक्ष्य नहीं मिलेंगे, तब फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को बंद करने के बारे में सोचा जा सकता है, पर फिलहाल तो अभी हम वहीं हैं। कितने समय तक? 1-2 दिन। हाँ, मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। आपका काफ़ी अनुभव है, ऐसा कभी एक पूर्व में कभी मौका आया इस टाइप का? जी, ऐसी स्थिति बनती है, खुले क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने में बहुत समस्या है, क्योंकि कोई उसका लिमिट नहीं है, वो एनिमल कहाँ कहाँ गया और कहाँ नहीं गया, तो कहीं कन्फाइनमेंट में अगर जानवर आता, आपके दमों में 3-7 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी, तब भी हम आए थे जी, क्योंकि उस समय वो जानवर भागते घर में बंद हो गया तो पकड़ना हम पकड़ पाए, लेकिन खुले क्षेत्र में जानवर को ढूंढना और पकड़ना और डार्ट करना भी, बेहोश करने डार्ट करना वो भी मुश्किल थोड़ा सा होता है। तेंदुए को पकड़ने के लिए, उसका पता लगाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि अफवाहों में ना पड़े। वन विभाग और संबंधित विभाग लगातार प्रयास कर रहा है इस विषय को लेकर कि उस प्राणी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और साथ में किसी मनुष्य को भी नुकसान ना हो, प्रयास चल रहे हैं, और अपने अपने अनुभव के आधार पर पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।